नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ गिरेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे हम यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले हम यहां पर MCX कॉटन से। रूपा जी, MCX कॉटन को हमने 47,800 तक ट्रेड होते हुए देखा है। ऑल टाइम हाई पर MCX कॉटन ट्रेड करती नजर आई थी। उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, 47,400 के दायरे में ट्रेड कर रही है, लेकिन अभी भी 47,000 के ऊपर ही सस्टेन है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज प्रॉफिट बुकिंग आई है और 47,000 के ऊपर ही सस्टेन है, तो क्या ऐसा अभी भी पॉसिबल है कि 47,000 के ऊपर आज ट्रेडिंग देखने को मिल जाए और ये जो मुनाफा वसूली है ये हरे मुनाफे में कन्वर्ट हो जाए? देखिए, फंडामेंटल तो अभी सपोर्टिंग है कॉटन का, लेकिन देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है, कभी भी हैवी सेलिंग बनती हुई दिखाई दे सकती है। रैली है तेजी की, नो डाउट हल्की करेक्शन है, बहुत ज्यादा भी करेक्शन बनी नहीं है। तो बहुत देखिए मार्केट जो है अभी फंडामेंटली रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है और उसके चलते हमने वायदा के अंदर अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी, जिसमें हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि 48,000 के ऊपर सस्टेन कर सकता है मार्केट। तो हल्की फुल्की करेक्शन आज इंट्राडे में बनी रह सकती है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और आगे चलकर उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में बाजार तेज बना रह सकता है। जी रूपा जी, बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल देख रहे हैं अभी भी 2900 के ऊपर ही है। रूपा जी, बिनौला खल में फंडामेंटल्स तो मजबूती वाले देख रहे हैं कि जैसे कि दूध के दाम बढ़ जाना, चारे के दाम बढ़ जाना, हाजिर बाजार में बिनौला खल की जो कीमतें हैं 3500 से 4000 के बीच में रहना, तो फिर ये वायदा में कीमतें क्यों नहीं तेज हो पा रही है? वायदा में ऐसा क्या है जो वायदा में अभी ऐसी नरमी देखने को मिल रही है बिनौला खल में? देखिए वायदा में अगर आप देखेंगे तो अगले महीने के जो वायदा है उनमें प्राइसेस जो है वो गैप है और 3000, हम जुलाई वायदा देखे तो 3000 के ऊपर मार्केट फिलहाल सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है। हाँ, ये जरूर है कि हाजिर के अंदर प्राइसेस काफी ऊपर है और यहाँ पर काफी वॉल्यूम्स भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेडर्स कोई एक्टिव नहीं है और पोजिशन जो है मार्केट में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और डिमांड भी हाजिर मंडियों में जरूर पिकअप हुई है, लेकिन यहाँ पर वायदा में मूवमेंट नहीं आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम कैसे नजर आ रहे हैं, इस वजह से प्राइसेस जो है वो स्टेबल नहीं है और जो गैप है ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ट्रेडर्स फिलहाल दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं वायदा के अंदर और इस वजह से प्राइसेस जो है वो एक रेंज में देखने को मिल रहे हैं। लगातार गिरावट के बाद हमने अब सस्टेन होते हुए इसको मार्केट में देखा है, तो मुझे लगता है कि ये एक बार ऊपर में 3000 तक की सस्टेनेबिलिटी दे सकता है और नीचे में 2800 का लेवल है, तो इस लेवल के बीच में फिलहाल ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, ग्वार देख रहे हैं कि ग्वार में भी यहाँ पे नरमी आते हुए देखी है, 11,400 के ऊपर कारोबार कर रहा है अब और ग्वार सीड 5,900 के ऊपर है। रूपा जी, क्या अभी भी यहाँ पे ग्वार की जो प्राइसेस है वो और टूटते नजर आ सकते हैं? देखिए ग्वार के प्राइसेस जो है वो टूट जरूर रहे हैं, ऊपरी तरफ से करेक्शन आई है लेकिन वापसी से तेजी में सस्टेन है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर कम 10,000 के ऊपर जब तक सस्टेन है उल्टा पटक का माहौल रहेगा, लेकिन अभी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आप क्रूड को देखिए, क्रूड भी एक अच्छी खासी तेजी की तरफ है और आगे चलकर डिमांड पिकअप होने के चलते इनमें तेजी बनी रह सकती है, डिमांड चल सकते हैं कि ग्वार के भी निकल सकते हैं। तो 10,000 का लेवल है टेक्निकली अगर हम देखें तो उसके ऊपर जब तक सस्टेन है मार्केट, तो मुझे बहुत ज्यादा करेक्शन फिलहाल इसमें दिखाई नहीं देती है। मेरे हिसाब से इन स्तरों पर भी बाइंग आ सकती है और आगे चलकर मार्केट तेज हो सकता है। जी सिर्फ जो मसालों की बात की जाए तो मसालों में क्या लगता है, क्या मसालों में अभी भी कुछ और करेक्शन देखने को मिल सकती है? देखिए मसालों में भी अभी बाजार जो है थोड़े से मंदे होते हुए नजर आए थे या यूं कहें कि तेजी जो है अभी डिमांड जो है वो कम हो गई थी जिसकी वजह से बाजार नीचे सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लेवल्स अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है, यहाँ पर बाइंग जो है इनिशिएट करना चाहिए और हल्दी में तो मुझे लगता है कि अगर 7,800 के नीचे के आसपास आता है तो वहां पर बहुत अच्छा लेवल होगा, वहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर चला जा सकता है और बाइंग किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए हल्की करेक्शन बनी रह सकती है, करेक्शन के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, एडिबल ऑयल्स की बात की जाए तो देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स एडिबल ऑयल में तेजी वाले हैं, विदेशों में भी तेजी आई है, घरेलू स्तर पर भी खाद्य तेलों में लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन रूपा जी देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर यहाँ पे डिमांड कुछ कम हुई है और हम अक्सर देखते हैं कि जब भी ऊपरी स्तर आते हैं किसी भी कम्युनिटी के तो उसकी जो कंजप्शन है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, यही हमने खाद्य तेलों में होते हुए देखा है। ऊपरी स्तरों पर जो डिमांड है वो कम हुई है जिसकी वजह से प्राइसेस में हल्की यहाँ पे हम पिछले 2 से 3 दिनों से नरमी आते हुए देख रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा कीमतें भी बढ़ जाना हानिकारक होती हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, और खाद्य तेलों की जो कीमतें आगे क्या रह सकती हैं? देखिए, खाद्य तेलों की कीमतें अभी जो प्राइसेस हैं, देखिए थोड़ा बहुत करेक्शन अभी पीछे हमने आते हुए जरूर देखा है, लेकिन अखिलेश फंडामेंटल अभी भी सपोर्टिव है खाद्य तेलों का, और इंडस्ट्री जरूर एक्सपेक्ट कर रही है कि प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा अभी यहाँ से पिकअप नहीं करेंगे, और हो सकता है कि मे बी प्राइसेज जो है यहाँ पर स्टेबल हो जाए, लेकिन करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर तेजी भी नहीं आई तो मार्केट गिरने के भी चांसेस काफी कम है। हाँ, अगर इंडोनेशिया की तरफ से पाम तेल का अगर एक्सपोर्ट खोल दिया जाता है तो हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ा सा ईज ऑफ लेते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मार्केट रहेगा सेम पॉजिटिव जब तक आगे चलकर यहाँ क्रॉप का एस्टिमेट नहीं आ जाता। अभी के लिए फिलहाल मार्केट जो है वो हल्का फुल्का करेक्शन में जा सकता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव एडिबल ऑयल का बना सकता है। जी रूपा जी, सरसों में क्या लगता है आपको, क्या सरसों के दाम यहाँ से अभी बढ़ सकते हैं? हमारे पास काफी सारे दर्शकों का सवाल आता रहता है कि क्या सरसों के दाम अभी और बढ़ेंगे, क्या अभी सरसों को रोक लें, बेच लें, क्या करें अभी? देखिए, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बिल्कुल निकालना चाहिए माल, ज्यादा थोड़ा बहुत होल्ड रखे और थोड़ा बहुत लिक्विडेट भी करते रहे, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल है उसके हिसाब से तो अभी प्राइसेस के ऊपर जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि मार्केट जो है आगे चलकर थोड़ा सा और तेज हो सकता है, लेकिन अगर अभी आपको अच्छा लेवल मिल रहा है तो आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत माल लिक्विडेट करके चल सकते हैं। जी ये सिर्फ जी सोयाबीन की बात की जाए तो ऐसी खबरें हैं कि तिलहनों की फसल की बुगाई इस बार ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गई, अब तेल तिलहनों के जो दाम है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तिलहनों के दाम मंडियों के अंदर और तेलों के दाम बाजारों में। तो ऐसे में अगर सोयाबीन की बुआई यहाँ पे आगे ज्यादा बढ़ती है तो क्या सोयाबीन के दाम यहाँ पे कुछ घट सकते हैं, या फिर हाई डिमांड रहने की वजह से जो सोयाबीन के प्राइसेस हैं वो लगातार तेजी की ओर ही बनी रहेंगे? देखिए, अभी तो सोइंग की बात हो रही है कि इस बार सोइंग बढ़ सकती है, एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना निकल कर आएगा, वेदर कैसा रहेगा, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, और इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्शन होगा इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आगे चलकर प्राइसेस कैसे स्टेबल कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो अभी का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन है, और दूसरा आप ये देखिए कि जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में हमें कि अभी कोई प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा डाउन साइड आता हुआ दिखाई देगा, या प्राइसेस पहले वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करते दिखाई देंगे जो एक से दो साल पहले हम देखा करते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा करेक्शन आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अभी ओवरऑल चारों तरफ से अगर हम देखें तो प्राइसेस के अंदर तेजी का ही रुझान बनता हुआ फिलहाल दिखाई देगा। जी ये सर ऊपर बात करें अगर वीट की, तो गेहूं का एक्सपोर्ट देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन इसी बीच गेहूं की जो कीमतें बढ़ी हैं उसको देखा देख किसानों और व्यापारियों ने इसको अब स्टॉक भी करना शुरू कर दिया है, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी अधिकारियों के अनुसार ऐसी खबरें आई हैं कि जो एक्सपोर्ट है वीट का, जो निर्यात हो रहा है वो अनियंत्रित तरीके से हो रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं हो रही है कि जितना एक्सपोर्ट डिमांड है उससे ज़्यादा ही एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो भारत में इसकी किल्लत भी हो सकती है एक वक्त पे आगे भविष्य में, तो ऐसे में अब वीट का बाजार कैसा देखती हैं आप? देखिए, वीट के बाजार की बात करें तो अभी सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है, और इंटरनेशनल लेवल को देखें तो गेहूं की सप्लाई काफी कमजोर है, और अभी एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से प्राइसेज जो है गेहूं में देखने को मिल रहे हैं 2200 के आसपास जो है मेरे ख्याल से शायद हाजिर मंडियों में ये प्राइसेज है, और ग्लोबल लेवल पर हम देखें तो वहां पर स्टॉक भी काफी कम है और सप्लाई भी काफी कम है, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर देखने की संभावना कह सकती है, और सीधे पर भी गेहूं जो है एक्सपेक्टेड है कि $12 प्रति बुशल के पास जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। हाँ, अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन कीमतों में बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि गेहूं की कटाई देखने को मिल रही है, और इस वजह से थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपोर्ट काफी पिकअप होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि तेजी फिलहाल बनी रह सकती है, और प्राइसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2800 से हो सकता है कि 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी जाते हुए दिखाई दे, तो जिन्होंने होल्ड किया है मेरे हिसाब से अभी रखना चाहिए। देखिए, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है और डिमांड निकल रही है तो डेफिनेटली प्राइसेज जो है ऊपर जाते दिखाई देंगे, और आप थोड़ा होल्ड करके कर सकते हैं, कुछ एक लिक्विडेट भी कर सकते हैं माल को, कुछ एक होल्ड करके भी चला जा सकता है। जी
रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में से टॉपिक्स क्या चूज करना चाहेंगी आप? देखिए एग्री कम्युनिटीज की अगर बात करें तो आज इंटरनेट के अंदर मेरे हिसाब से अभी ग्वार के अंदर वाइन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्वार अच्छा लग रहा है, ग्वार के अंदर तेजी आ सकती है, तो ग्वार को खरीद के चला जा सकता है। ग्वार के साथ साथ मुझे लगता है हल्दी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है अभी यहाँ से, तो हल्दी में भी वाइन करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और उस पर हम रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का हमें अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।